ये बहुत ही शर्मनाक क्लेम जो इन लोगों ने किया है। सिटी अध्यक्ष बंदू आर्थिक स्वागत क्या ये सही है या गलत है उसका 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 वेरीफाई नहीं करते। कांग्रेस जैसी पार्टी के अपोजिशन लीडर होते हुए सिद्धरामैया जी को ये बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलता हूं ये गवारा नहीं देता। मजलिस से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट सदर के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब के साथ करना चाह रहे हैं, जानते क्या है आप उनके बारे में? सर बताइए, आज सिद्धरामैया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि बैंगलोर के एमआईएम के सदर कांग्रेस ज्वाइन हुए हैं, क्या ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाई ये बात तो आप खुद कह सकते हैं कि सच है या झूठ है। पहली बात ये बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के सदर का नाम है के मोहम्मद शरफुद्दीन, और आप लोग बखूबी उनको जानते हैं, सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि उसके अलावा जो उनके खिदमात हैं, जो उनके सोशल सर्विसेज हैं, सियासत में आने से पहले भी वो एक सोशल सर्विस में थे, सोशल सर्विस के काम करते थे लोगों में, ना खुद उनका पूरा खानदान इस सोशल कामों में हमेशा जुड़ा हुआ है। और आज जिस तरह से आज एक बहुत ही शर्मनाक क्लेम जो इन लोगों ने किया है, जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी के अपोजिशन लीडर होते हुए सिद्धरामैया जी को ये बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलता हूं ये गवारा नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आज क्लेम किया है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना उसको वेरीफाई करते हुए, ये दिखाता है कि इन लोग ये लोग कितने कमजोर हैं। किसी एक आदमी को लेकर आकर जहां पे उनको इंफॉर्मेशन पास हो रही थी, उनको तो हम बखूबी जानते हैं, उनके मीम्स बनते हैं, हां उनके मीम्स बनते हैं, किस तरह से वाहियात बात करने के लिए वो जाने जाते हैं, ना कि चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में छोड़िए, आवाम में भी उनके बारे में क्या राय है सब जानते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में सब जानते हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हुई, सिद्धरामैया जैसे एक एक्सीएम जो कई बार फाइनेंस मिनिस्टर भी बन चुके हैं, इतने काबिल आदमी हैं, लेकिन उनको ये गवारा नहीं दिया कि ये इंफॉर्मेशन जो उनके पास आई किसी उनके ही एक लीडर की तरफ से, क्या ये सही है या गलत है उसका 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 वेरीफाई नहीं करते। किसी एक आदमी को अदने से उस मोहल्ले के आदमी को लेके आके खड़के आप अपना शाल पहनाकर आप उसकी तुलना एमआईएम के मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट सदर के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब के साथ करना चाह रहे हैं, जानते क्या है आप उनके बारे में? आपकी पार्टी को लात मारकर उन्होंने कभी आप जैसी पार्टी को नहीं ढूंढने का फैसला कब का कर लिया? उन्होंने आज से सालों पहले कर लिया। क्यों किया था? क्योंकि आप लोग आज तक मुसलमानों का, बिछड़ों का हक देने में नाकामयाब रहे। आपकी आप समझते हैं आप जैसी पार्टी में एमआईएम के लोग आगे जुड़ेंगे? एमआईएम के अभी लीडर्स, एमआईएम का प्रेसिडेंट आपके ख्वाबो ख्याल में भी मत सोचिए। तो ये जो क्यों सर इस तरह की जो अफवाह उठ रही है, सब क्लियर है, अफवाह नहीं है, क्लियर अफवाह है, ये क्लियर है ना, इनकी 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 एजुकेशन बताती है कि इनकी नॉलेज बताती है। आप चार चार बार एमएलए बन चुके हैं, आपको मालूम नहीं है कौन कहां पे रहता है? आप तो सबकी खबर रखते हैं, छोटी सी छोटी खबर रखते हैं, आप कैसे कैसे क्लेम करते हैं किसी को लेके आके? आपके पास प्रूफ है क्या? क्लेम कीजिए, दिखाइए। अगर जो शख्स को आप बता आप जिसका क्लेम कर रहे हैं कि एमआईएम का प्रेसिडेंट है, आप दिखाइए कि वो एमआईएम का प्रेसिडेंट है, किस लिहाज से प्रेसिडेंट दिखाइए, कहां का प्रेसिडेंट है दिखाइए। भाई किसी भी एक कई पार्टियों में लोग वहां एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर्स पूरे भारत में है, बेंगलोर शहर में है, कर्नाटक रियासत में है, तमिलनाडु में है, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले उनके मेंबर हैं। और उसमें कोई बंदा कोई चला गया होगा। तो आपका कहने का मतलब है के शरफुद्दीन जो प्रेसिडेंट है वो नहीं गए हैं? साहब मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है साहब, जब मैं इतना कह रहा हूं आपको के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब के बारे में जो बोल रहा हूं, हमारे जो सदर है बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के,
उनके बारे में इतना कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि एमआईएम के आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अपना कैमरा टर्न कीजिए, देखिए किसकी कौन है प्रेसिडेंट, किसकी तस्वीर लगी हुई है वहां पर, दिखाइए उनको पर वेरीफाई करने के लिए बोलिए। शर्म तो मुझे सिद्धरामैया जी के ऊपर आ रही है, वेरीफाई करने के बगैर किसी ने कह दिया आपने बोल दिया फ्लो में, क्या कह रहे हो, किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, किसके कैसे छोटी बातें कर रहे हैं आप। बारहसुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में हम लोग, हमें कांग्रेस जैसी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी में जाने का कोई इरादा है नहीं है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, हम उसके साथ खड़े नहीं हुए। तो फिर आने वाले इलेक्शन में क्या प्लान्स हैं आपके, क्या है, कितने सीट्स आप यहां पर खड़े हैं? देखिए इंशाल्लाह आने वाले जो इंतखाबात हैं, असेंबली इंतखाबात हैं, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भरपूर लड़ेगी, पूरे रियासत में लड़ेगी, और उसकी ग्राउंड वर्क हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। नॉर्थ कर्नाटका से हम लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, और यहां पर भी इंशाल्लाह बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में भी, बैंगलोर शहर में भी हम इंशाल्लाह हम हमारी ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जरूर अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार हम जरूर खड़ाएंगे इंशाल्लाह। कई सारी पार्टियां कैंडिडेट्स हैं उनको अनाउंस कर चुकी है जी, आपकी पार्टी की जानिब से कब होगा? नहीं क्यों करें अभी इतना जल्दी, हमारा वक्त है, असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं क्या? अभी तक तो हुए नहीं, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे हम भी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वक्त है ना, अब उनको जल्दी है, अब उसमें भी देखिए किस तरह का बायस में सो रहा है, अब देखिए कितने बैकवर्ड्स को और कितने मुसलमानों को सीट मिली अभी तक, और कोई भी पार्टी हो जो आपके जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है अपने अपने बच्चों को ही दे रहे हैं सब। एमआईएम के ऊपर एक धब्बा भी है कि हर वक्त मुस्लिम को ही सीट देते हैं। देखिए अब माशाल्लाह ये बहुत सही सवाल किया आपने, पहली बात आप एक बताइए मुस्लिम्स को टिकट दिया कहां तक दिया, वो सब जानते हैं, हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं मुस्लिम भी है नॉन मुस्लिम भी है, हम एक पार्टी है साहब, हम सियासी पार्टी है, हमें कोई एक एक पर्टिकुलर रिलीजन की जमात नहीं है, हम एक सियासी जमात है, हम कोई कौमी जमात नहीं है, हम एक सियासी जमात है। हां ये अलग बात है जो हमारे मुद्दे हैं, क्यों है, क्यों मुसलमानों के ऊपर हमारे मुद्दे ज्यादा रहते हैं, हम उसके ऊपर क्यों आवाज उठाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आज क्यों किसको दबाया जा रहा है, कहीं पर भी हो वो रियासत कर्नाटक हो, यूपी हो, एमपी हो, अब उत्तराखंड में जो हुआ आपने देखा, कौन आवाज उठाया, कोई कांग्रेस का उसने आवाज उठाया क्या? वहां पर भी आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब ही थे। ये सारे चीजें देखिए ना आप, जहां जहां लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती वहीं पे हम पहुंचे, बिछड़ों की कई बिछड़ों की जहां जरूरत है असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए भी आवाज उठाते हैं। एक चीज हमें समझनी चाहिए आज पूरे होशो आवाज में, आप अपना घर तभी बचा सकते हैं जब आपके घर का काम आप खुद करेंगे, आपके ऊपर आप जब तक बैसाखियों का सहारा नहीं छोड़ेंगे, आप सिर्फ हारने के डर से या बीजेपी गवर्नमेंट आने के डर से आप अपनी लड़ाई बंद करके दूसरों के सहारे पे चलते रहेंगे, आप कामयाब कभी नहीं हो सकेंगे। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आप अपने हक अपने हकूक लेना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। आप दूसरों के प्लेटफॉर्म में कब तक जीते रहेंगे, दूसरों के प्लेटफॉर्म में जीते रहेंगे, दूसरों के सहारे में जीते रहेंगे, और वो हमारा इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से सालों से 75 सालों से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आने वाले दिनों में भी हमारा इस्तेमाल करते ही जाएंगे, लेकिन हम सेक्युलर के नाम पर आज हम ये करके बैठे हैं, सिर्फ सेक्युलर पार्टी बोलकर। क्या हुआ, एक जमाना 80s में हमारे 26 माइनॉरिटी के एमएलए हुआ करते थे, आज 7 है, डिक्रीज हर असेंबली इलेक्शन के बाद डिक्रीज हुए, कभी इंक्रीज नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि आपने राइट्स ही नहीं दिया, आपने बिखरा के रखा हमको, हम डिवाइड होकर पड़े हुए हैं, हम ये सेक्युलर पार्टी है ये अच्छी है, सेक्युलर पार्टी वो अच्छी है, भाई अपनी खुद की बनाओ, अपनी खुद की जमात से खड़े हो। 1200 ओवैसी साहब इसीलिए अपील करते हैं कि मजलिस जो है वो आपकी पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों की पार्टी है, बिछड़ों की पार्टी है, माइनॉरिटी की पार्टी है, जरूरतमंद की पार्टी है, जो भी कौम दबी हुई है उनकी पार्टी है। तो आप जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने प्लेटफॉर्म में खड़े होंगे, तो आपकी आवाज आप खुद लगा सकते हो, आपकी आवाज दूसरा क्यों लगाएगा, उसको जरूरत क्या है, आज हम दूसरे के सहारे में जी रहे हैं, इसलिए हमारे आवाज पे कोई बात करने वाला नहीं है आज।